हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का मिश्रा जी टेक्निकल यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज है 3 नवंबर और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे 3 नवंबर 2020 के करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा, पूरी वीडियो डिटेल में आपको समझाई गई है। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के बाद आप इसकी क्विज भी सॉल्व कर सकते हैं, क्विज मिलेगी आपको MJT ऐप पर ही आपको इसकी PDF भी प्रोवाइड की जाएगी, तो आप लोग PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। बात करते हैं लास्ट डे के क्वेश्चंस की। लास्ट डे का हमारा पहला क्वेश्चन था 14वें एशियाई पुरस्कार फिल्म पुरस्कार में बेस्ट एक्टर का खिताब किसने जीता था, तो ली बेयुंग हुन ने जीता था। अगला, वर्ल्ड सिटीज डे कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 31 अक्टूबर को। बात करते हैं अब आज के दिन के पहले क्वेश्चन की। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में फिलीपींस में आए 2020 के सबसे शक्तिशाली तूफान का क्या नाम है। तो दोस्तों फिलीपींस में 2020 में सबसे शक्तिशाली तूफान आया हुआ है, नाम है इसका गोनी। ठीक है, अभी 2020 बीता नहीं है मेरे दोस्त, अभी कुछ और भी बाकी है। इस साल का सबसे शक्तिशाली, सबसे पावरफुल साइक्लोन है ये तूफान गोनी। सब कुछ जानेंगे इसके बारे में। सबसे पहले तो बात करते हैं स्पीड की, क्योंकि स्पीड से ही हमें मालूम चलता है कि तूफान कितना ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। तो दोस्तों इसकी एवरेज स्पीड तो है 225 किलोमीटर पर आवर, 225 किलोमीटर पर आवर की इसकी एवरेज स्पीड है, लेकिन बीच बीच में ये 280 किलोमीटर पर आवर पर भी पहुंच गया था। इसी वजह से उम्मीद लगाई जा रही थी कि ये बहुत ज़्यादा तबाही मचा सकता है, हालांकि फ़िलहाल इसने अभी तक उतनी ज़्यादा तबाही मचाई नहीं है। क्यों? क्योंकि दोस्तों 2013 में ऐसा ही एक तूफान आया हुआ था वहीं पर फिलीपींस में ही, उसका नाम था हेयान। नाम याद रखते चलिएगा, हेयान। हेयान तूफान जो आया था 2013 में लगभग इतनी ही स्पीड का, उसने दोस्तों 6300 लोगों की जान ली थी, 6300 लोगों की जान ले ली थी। लेकिन फिलहाल ये तूफान जो है इतनी तबाही नहीं मचा पाया है। क्यों? क्योंकि बहुत ही अच्छे समय पर अलर्ट जारी कर दिया गया और लगभग 2.5 से 3 लाख लोगों को इवैक्यूएट किया जा सका टाइम पर ही। ठीक है, तो आजकल की टेक्नोलॉजी का सबसे बड़ा फायदा मिला है कि अलर्ट टाइम पर जारी कर दिया गया था। चलिए वर्ल्ड मैप में थोड़ा सा और जानते हैं डिटेल में इस तूफान के बारे में। तो सबसे पहले देख लीजिए मैप में, ये रहा हमारा प्यारा भारत। यहाँ से आप लोग इस तरफ आएंगे तो यहाँ पर मिल जाएगा दोस्तों आपको फिलीपींस। इस साइड में ये है फिलीपींस, ये आपको दिख रहा है फिलीपींस। ठीक है, फिलीपींस में यहाँ पर पूर्व की तरफ से यानी ईस्ट की साइड से आया हुआ है ये तूफान। ठीक है, इसे ही फिलीपींस सागर कहा जाता है और इधर साउथ चाइना सागर है। ठीक है, इधर देख लीजिए आप लोग सेलेब्स सागर है, तो यहीं फिलीपींस में आया हुआ है तूफान, काफ़ी ज़्यादा तबाही मचाया हुआ है। इसकी स्पीड मैक्सिमम पहुंची थी 280 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, हालांकि एवरेज स्पीड 225 किलोमीटर पर आवर है इसकी। फिलीपींस की राजधानी की अगर बात की जाए तो यहाँ की राजधानी होती है मनीला। मनीला, मनीला फिलीपींस से आपको एक पॉइंट याद आ रहा होगा, ADB का हेडक्वार्टर, एशियन डेवलपमेंट बैंक का, याद रखिएगा इसको भी। प्रेसिडेंट हैं इसके रोड्रिगो दुतर्ते। कौन? रोड्रिगो दुतर्ते। मुद्रा है फिलिपिनी पेसो। क्या? फिलिपिनी पेसो। अच्छा, अब ये तो रही दोस्तों तूफान गोनी की बात, जो कि फिलीपींस में आया हुआ है। हमारे भारत में भी अभी कुछ तूफान आए हुए थे, अम्फान तूफान जो कि सबसे ज़्यादा चर्चे में रहा था, उड़ीसा में आया हुआ था। अच्छा, तूफानों के नाम कैसे रखे जाते हैं, कौन देश रखता है, कब कब रखता है, कैसे डिसाइड होता है, ये सब चीज़ें भी इंपॉर्टेंट होती हैं। जैसे अम्फान तूफान का नाम थाईलैंड ने रखा था। ठीक है, अम्फान तूफान का नाम थाईलैंड ने रखा था और बाकी के जो तूफान आए उनका नाम कौन कौन रखा, कैसे रखा, इस पर मैंने आपको एक डिटेल वीडियो दी हुई है। इनफैक्ट एक नहीं, दो वीडियो दी हुई है। दो वीडियो में आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा कि तूफानों के नाम कैसे रखे जाते हैं। आप लोग MJT ऐप में जा करके सर्च कीजिएगा, जब फानी तूफान आया था तब भी मैंने आपको वीडियो बना करके दी हुई थी, अम्फान तूफान पर भी आपको दी गई है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। अगला है, भारत ने कहाँ पर सुखोई लड़ाकू विमान से ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफलतम परीक्षण किया है। तो इंडियन एयरफोर्स ने दोस्तों अभी हाल ही में बंगाल की खाड़ी में सुखोई लड़ाकू विमान से, सुखोई MKI-30 फाइटर जेट से ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफलतम परीक्षण किया है। ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का एक और सफलतम परीक्षण किया गया। इस क्रूज मिसाइल की रेंज थी 300 किलोमीटर। ठीक है, अभी तक की सबसे लंबी ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल की ये रेंज थी। DRDO ने डेवलप किया है, बंगाल की खाड़ी में ही वे या बंगाल में एक खराब शिप थी, डूब रही थी, जो उसी पर परीक्षण किया गया है। ठीक है, इस मिसाइल का, ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल का, यानी ऊपर से नीचे की तरफ अटैक किया गया तो एयर टू सरफेस हुआ, एयर टू सरफेस मिसाइल हुई। क्लियर, इसको भी आपको ध्यान रखना है। अच्छा, आज मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने जा रहा हूँ। आप देखे होंगे ये क्रूज मिसाइल, नाम सुने होंगे, कभी कभी सुनते होंगे बैलिस्टिक मिसाइल,
ये क्रूज मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइल में अंतर क्या होता है, क्या आपको पता है? देखिए, क्रूज मिसाइल जो होती है दोस्तों, ये छोटी मिसाइल होती हैं, ठीक है, थीके? छोटी मिसाइलें होती हैं, कभी भी फाइटर प्लेन्स वगैरह में एडजस्ट की जा सकती हैं, ठीक है, थीके? साथ ही साथ इसे छुपाया भी जा सकता है, सैटेलाइट वगैरह से छुपाया जा सकता है, जिससे कोई देश नज़र ना रख पाए कि कौन सी मिसाइल ये लेकर के जा रहा है या फिर कहाँ पर स्टोर किया गया है, क्योंकि छोटी मिसाइल होती है। जबकि बैलिस्टिक मिसाइल जो होती है दोस्तों, ये काफ़ी बल्कि होती हैं, काफ़ी लंबी होती हैं, तो इनको छुपाना आसान नहीं होता है। तो इससे क्या घाटा होता है? घाटा ये होता है दोस्तों, जब दुश्मन देश सैटेलाइट वगैरह से देख लेते हैं कि कहाँ पर मिसाइल ट्रक के माध्यम से कैसे आ रही है, तो उसको वो अटैक करके डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं, ठीक है, यानी लॉन्च होने से पहले भी डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, जबकि क्रूज मिसाइल में ऐसा नहीं है। क्रूज मिसाइल में कैसे करोगे भाई, ठीक है। दूसरी चीज़ ये कि बैलिस्टिक मिसाइल जो होती है, ये अपने साथ बहुत ज़्यादा मात्रा में हथियार भी ले जा सकती हैं, ठीक है, और जो क्रूज मिसाइल होती है, क्योंकि इसकी साइज़ छोटी होती है, इस वजह से ज़्यादा हथियार ये नहीं ले जा सकती हैं, लेकिन हथियार दोनों ले जा सकती हैं। दूसरी बात ये, दोनों ही मिसाइलें जो होती हैं अपना फ्यूल खुद रखती हैं, ठीक है, हालांकि जो क्रूज मिसाइल होती है इसमें ऑक्सीजन लेती हैं, वो ऑक्सीजन हवा में ही ले लेती हैं, ठीक है, जबकि इसमें ऑक्सीजन टैंक एक्स्ट्रा होते हैं बैलिस्टिक मिसाइल में। एक और बात ये, बैलिस्टिक मिसाइल जो होती है, क्योंकि ये बहुत लंबे रेंज के लिए होती है, आप लोग देखते होंगे मैक्सिमम यू रेंज में, इस रेंज में ये इस तरीके से लॉन्च की जाती है बैलिस्टिक मिसाइल, जबकि क्रूज मिसाइल है ये फाइटर प्लेन पर लगा दो, चाहे फिर नीचे से दाग दो, कहीं से भी मार दो, तो ये सीधे सीधे मारती है, ठीक है, इसको किसी भी प्रकार से मारा जाता है, यानी कि बिल्कुल सीधी रेखा में मारा जा सकता है, ठीक है, क्रूज मिसाइल को। जबकि बैलिस्टिक मिसाइल जो होगी वो इस आकार में जाएगी, यानी रॉकेट से छोड़ा जाएगा तो पहले ऊपर जाएगी, फिर उसके बाद नीचे आएगी, ठीक है। तो ये कुछ अंतर होते हैं, कुछ डिफरेंसेस होते हैं क्रूज मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइल में। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। नेक्स्ट है, विश्व शाकाहारी दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड वेजिटेरियन डे। तो दोस्तों, वर्ल्ड वेजिटेरियन डे या वर्ल्ड वेगन डे कहें इसे, तो ये मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 1 नवंबर को। क्यों मनाया जाता है ये दिन दोस्तों? इसलिए मनाया जाता है जिससे मनुष्य जो हैं वो पर्यावरण, प्रकृति और जानवरों की रक्षा के लिए शाकाहारी रह सके, ठीक है, शाकाहारी रहने के लिए उनको इनकरेज किया जा सके। साथ ही साथ उनको ये भी बताया जाता है कि शाकाहारी रहने से क्या क्या लाभ होते हैं, क्या क्या फ़ायदे होते हैं। तो इसी वजह से 1 नवंबर को मनाया जाता है वर्ल्ड वेगन डे, ठीक है। ये क्यों मनाया जाता है 1 नवंबर को ही? क्योंकि दोस्तों 1 नवंबर को 1944 में यूके में, यूनाइटेड किंगडम में, द वेगन सोसाइटी की स्थापना हुई। किसकी? द वेगन सोसाइटी की स्थापना हुई। बात आती है कि ये दिवस मनाया जाना कब से शुरू हुआ? तो ये मनाया जाना शुरू हुआ 1994 से। कब से? 1994 से। नेक्स्ट बात करते हैं, अगला है, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने महिला वैज्ञानिकों की सहायता के लिए कौन सी योजना शुरू की? तो केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने दोस्तों SERB पावर नाम से एक योजना शुरू की है, एक स्कीम शुरू की है। किसके लिए? महिला वैज्ञानिकों के लिए, वीमेन साइंटिस्ट के लिए, उनकी हेल्प के लिए ये शुरू की गई है। इस योजना का उद्देश्य क्या है? तो इस योजना का उद्देश्य ये है दोस्तों कि जो वीमेन साइंटिस्ट हैं, वीमेन रिसर्चर्स हैं, उनको साइंस और इंजीनियरिंग में रिसर्च के लिए इनकरेज किया जा सके, उनकी हेल्प की जा सके। तो अब इस योजना के तहत 2 लेवल में हेल्प की जाएगी, Level 1 और Level 2। अब देखिए, Level 1 और Level 2 क्या है? Level 1 के तहत दोस्तों 3 वर्षों के लिए 60 लाख रुपए तक की फंडिंग की जाएगी, 3 वर्षों के लिए 60 लाख तक की फंडिंग Level 1 के तहत। Level 2 के तहत 3 वर्षों के लिए 30 लाख तक की फंडिंग, ठीक है, की जाएगी, 3 वर्षों के लिए 30 लाख तक की फंडिंग Level 2 के तहत। बात आती है अब इसका फुल फॉर्म क्या है, इसका फुल फॉर्म भी नोट डाउन कर लीजिए, SERB पावर, इसका फुल फॉर्म होता है साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड। पावर का फुल फॉर्म होता है प्रमोटिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर वुमेन इन एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। क्लियर, नेक्स्ट बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्लास्टिक कचरे के निर्माण में दुनिया का शीर्ष देश कौन बना? तो दोस्तों, प्लास्टिक कचरे के निर्माण में दुनिया का शीर्ष देश है अमेरिका। एक रिसर्च के मुताबिक अमेरिका में प्लास्टिक कचरे सबसे ज़्यादा उत्पादित होते हैं, प्लास्टिक कचरों का उत्पादन प्रोडक्शन दुनिया में सबसे ज़्यादा अमेरिका में होता है। अच्छा, ये तो है प्लास्टिक कचरा, आपने सुना होगा ई कचरा। ई कचरा जो होता है, जो मोबाइल हुए या फिर टूटे फूटे जो इलेक्ट्रॉनिक सामान हुए, गैजेट्स हुए, इनको कहा जाता है ई कचरा। तो अगर आपसे पूछा जाए कि ई कचरे के प्रोडक्शन में सबसे ऊपर कौन है, शीर्ष देश कौन है, तब आप बताएंगे चीन, ठीक है, चाइना है ई कचरे में टॉप पर, और प्लास्टिक कचरे में टॉप पर है अमेरिका। क्लियर,
अब अमेरिका आया है। अमेरिका से अभी भारत के साथ दोस्तों 2+2 वार्ता हुई, बहुत ही फेमस डायलॉग हुई, बहुत ही इंपॉर्टेंट डील थी, 5 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए हैं और इनके बारे में मैं आपको डिटेल में बता चुका हूँ, ठीक है। 27 अक्टूबर को हुई थी ये और इसके बारे में डिटेल में एक्सप्लेन किया भी गया है। और आज दोस्तों आ रही है जो ई बुक अक्टूबर मंथ की, उसमें आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ 2+2 वार्ता के बारे में चर्चा की गई है ई बुक में। तो एक और इन्फॉर्मेशन यहीं से ले लीजिए कि आज अक्टूबर मंथ की फुल डिटेल करंट अफेयर की ई बुक आ रही है हमारी। जैसे कि आप लोग जानते हैं पिछले 13 महीनों से मैं ई बुक लॉन्च कर रहा हूँ, तो आप लोग इस ई बुक को MJT ऐप से जाकर के परचेज कर सकते हैं। हमारी ई बुक में दोस्तों हर एक टॉपिक को कैटेगरी वाइज, चैप्टर वाइज बहुत ही अच्छे से कैटेगराइज करके डिटेल में एक्सप्लेनेशन के साथ दिया जाता है। चाहे वो डेट एंड थीम हो, राष्ट्रीय घटनाएं, अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं, पुस्तकें, लेखक, ब्रांड एम्बेसडर और नियुक्तियाँ, निधन हो गया, ठीक है, खेल खिलाड़ी पुरस्कार सम्मान, बैंकिंग रिलेटेड न्यूज़ हो गई स्पेशल तरीके से, सबसे खास बात योजनाओं पर इस बार ध्यान दिया गया है बहुत ज़्यादा, खास करके योजनाएं बहुत आई थी तो योजनाएं हो गई उसमें, ठीक है, रक्षा समझौते हो गए, रक्षा से रिलेटेड जो चीज़ें हो गई, यानी हर एक चैप्टर को बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेनेशन के साथ दिया जाता है। साथ ही साथ दोस्तों आपको ई बुक के एंड में 100+ क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट भी दिया जाता है। तो इतना सब कुछ मिल जाता है सिर्फ और सिर्फ एक मंथ की ई बुक में। इस बार दोस्तों क्योंकि आप लोग जानते हैं पिछले 13 महीनों से मैं ई बुक लॉन्च कर रहा हूं और सेम रेट पर लॉन्च कर रहा हूं 15 रुपये में, लेकिन दोस्तों समय की मांग और महंगाई को देखते हुए और मेहनत को देखते हुए, क्योंकि आप लोग अगर देखेंगे सितंबर 2019 की ई बुक और अगर आप लोग देखेंगे अक्टूबर 2020 की ई बुक, तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस आया है, बहुत ज़्यादा चीज़ें उसमें एडवांस की गई हैं, बहुत अपडेट किए गए हैं, यानी बहुत ही अच्छे तरीके से उसमें इम्प्रूवमेंट किया गया है ई बुक्स में। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए इस बार ईबुक का प्राइस थोड़ा सा बढ़ाया जा रहा है, इस बार प्राइस 20 रुपये कर दिया जा रहा है। लेकिन यकीन मानिए दोस्तों इस 20 रुपये में भी अभी भी कोई भी इस लेवल का ईबुक नहीं प्रोवाइड कर रहा है। पूरे यूट्यूब पर आप लोग देख लीजिएगा इस प्रकार की ईबुक इतने ज़्यादा डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ और इतने ज़्यादा कंटेंट के साथ कोई भी नहीं प्रोवाइड कर रहा है। आप लोग कहीं से भी जाकर के देख सकते हैं ईबुक। जिन लोगों को बंच में चाहिए ईबुक, यानी कई महीनों की ईबुक चाहिए, वो लोग हमारे डिस्काउंट ऑफर का फ़ायदा उठा सकते हैं। उन लोग को ऐप में जाना है और जाकर के कॉम्बो ईबुक्स में जाना है। अगर उनको जब ज़्यादा मात्रा में कई महीनों की ईबुक लेनी है तो आप लोग कॉम्बो ईबुक्स लिया कीजिए, उससे आपको सस्ते में पड़ जाएगी ईबुक, ठीक है। तो आई होप आप लोग बात समझोगे हमारी और जो प्राइस बढ़ाया गया है इसको लेकर के आप लोग चिंतित नहीं होगे। दोस्तों बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है ईबुक लिखने में, पूरी की पूरी ईबुक टाइप करनी पड़ती है, उसको एडजस्ट करना पड़ता है, तो आप लोग प्लीज़ समझो इस बात को। और सिर्फ 5 रुपये ही बढ़ाया गया है, 20 रुपये में पूरे महीने की करंट अफेयर मिल जा रही है। आजकल के टाइम में ये 20 रुपये कुछ नहीं, इतने में तो आप लोग एक दिन का नाश्ता कर लेते होंगे। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, आई होप आपका ज़्यादा समय नहीं लॉस हुआ होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस भारतीय राज्य ने 1 नवंबर को अपना स्थापना दिवस मनाया? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1 नवंबर को दोस्तों 7 राज्यों का स्थापना दिवस होता है। 7 राज्य कौन कौन से हैं? कर्नाटक, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, केरल, पश्चिम बंगाल, राजस्थान। इन 7 राज्यों का स्थापना दिवस 1 नवंबर को मनाया जाता है। 1 नवंबर 1956 को, 1956 को दोस्तों ऑफिशियल तरीके से एक बार फिर से इन राज्यों का पुनर्गठन किया गया था। याद रखिएगा 1 नवंबर 1956 को भाषाई आधार पर यानी लैंग्वेज के हिसाब से राज्यों का पुनर्गठन किया गया था। और राज्यों का पुनर्गठन भाषाई आधार पर होने में सबसे पहला राज्य बना था आंध्र प्रदेश। तो ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है कि भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन जब हुआ तो उसमें पहला राज्य कौन बना, यानी भाषाई आधार पर अलग होने वाला पहला राज्य कौन बना, तो आंध्र प्रदेश था। याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लियर। नेक्स्ट बात करते हैं, केरल के सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान एजुथचन पुरस्कार के लिए किसे चुना गया? दोस्तों केरल का सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान इस बार दिया जाएगा, जिसका नाम है एजुथचन पुरस्कार, इस बार दिया जाएगा पाल जाचेरिया को। किसे? पाल जाचेरिया को। इनको साहित्य में, केरल साहित्य में पिछले 5 वर्षों में इनके कंट्रीब्यूशन के लिए दिया जा रहा है। केरल का ये सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान होता है एजुथचन पुरस्कार। ओके, पाल जाचेरिया के बारे में थोड़ा सा और जानते हैं। इनको दोस्तों 1979 में केरल साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिल चुका है। इसके साथ ही सन 2004 में भारत सरकार के द्वारा केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार भी ये जीत चुके हैं। ओके, पाल जाचेरिया। अब आपको कुछ और ऑप्शन दिख रहे हैं, जैसे अक्कीतच्चम अच्युतन नंबूदरी, ये भी मलयालम कवि हैं। अच्छा, पाल जाचेरिया भी मलयालम कवि ही हैं। इनको 2019 का दोस्तों ज्ञानपीठ अवार्ड मिला था और इसके बाद अभी कुछ ही दिन पहले इनका निधन भी हो गया है। अक्कीतच्चम
अच्युतन नंबूदरी जी का, इन्हें ज्ञानपीठ मिला था 2019 का अभी हाल ही में। सुनंदा पटनायक, इनके नाम पर, सुनंदा पटनायक जी के नाम पर अब सुनंदा सम्मान की स्थापना हो गई है ओडिशा साहित्य अकादमी पुरस्कार का नाम बदल करके, ये भी आपको याद ही होगा, ठीक है, पिछले महीने में क्वेश्चन आया था। हरिवंश राय बच्चन जी, आपको डी ऑप्शन में दिख रहे हैं, इनके नाम पर पोलैंड में एक रोड का नाम रखा गया है, पोलैंड में, ठीक है। तो ये चार पॉइंट आप लोग याद रखिएगा इस क्वेश्चन से। अगला है, किस भारतीय मुक्केबाज ने एलेक्सिस वैलेंटाइन इंटरनेशनल बॉक्सिंग टूर्नामेंट में गोल्ड मेडल जीता? तो दोस्तों अभी हाल ही में एलेक्सिस वैलेंटाइन इंटरनेशनल बॉक्सिंग टूर्नामेंट में अमित पंघाल ने, संजीत ने और आशीष कुमार ने, इन तीनों ने ही गोल्ड मेडल जीता है। तो उपरोक्त तो सभी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, लेकिन इन तीनों ने अलग अलग कैटेगरीज में जीता है गोल्ड मेडल, तो इस वजह से अलग अलग कैटेगरीज का नाम भी आपको पता होना चाहिए। जैसे अमित पंघाल जो हैं ये 52 किलो वर्ग में खेले हैं, ठीक है, 52 किलो वर्ग में ये जीते हैं गोल्ड मेडल 52 किलोग्राम की कैटेगरी में। संजीत जो हैं ये 91 केजी की कैटेगरी में जीते हैं गोल्ड। आशीष कुमार जो हैं ये 75 किलोग्राम की कैटेगरी में गोल्ड जीते हैं। ये हुआ कहाँ पर था, आयोजन कहाँ हुआ था एलेक्सिस वैलेंटाइन इंटरनेशनल बॉक्सिंग टूर्नामेंट? तो इसका आयोजन हुआ था फ्रांस के नानतेस में। कहाँ पर? फ्रांस के नानतेस में इसका आयोजन किया गया था। दोस्तों लॉकडाउन के बाद पहला इंटरनेशनल बॉक्सिंग टूर्नामेंट था ये, जिसमें इन तीनों ने गोल्ड जीता है। नेक्स्ट बात करते हैं। अगला, हाल ही में किसने ATP कप एस्ट्रे बैंक ओपन 2020 जीता? तो अभी हाल ही में दोस्तों एस्ट्रे बैंक ओपन 2020 ATP कप जीत लिया है एंड्रे रूबलेव ने। किसने? एंड्रे रूबलेव ने। किसको हराकर जीता? इन्होंने हराया है लोरेंज सोंगो को। किसे? लोरेंज सोंगो को हरा करके इस वर्ष का एस्ट्रे बैंक ओपन 2020 ATP कप जीत लिया है। ATP कप यानी एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल। अच्छा, पुरुषों के लिए होता है ATP कप और वीमेंस के लिए क्या होता है? वीमेंस के लिए होता है WTF यानी वीमेंस टेनिस फेडरेशन। तो ATP कप और WTF में भी अंतर आपको पता होना चाहिए। एस्ट्रे बैक ओपन 2020 जो दोस्तों जीत लिया एंड्रे रूबलेव ने, इनका इस सीजन का ये 5वां ATP कप था। क्लियर। नेक्स्ट बात करते हैं, किस सोशल मीडिया कंपनी ने भारत में आर्ट हाउस नामक एक वीडियो सर्विस शुरू की? तो दोस्तों ट्विटर ने भारत में आर्ट हाउस नाम से एक वीडियो सर्विस शुरू किया है। अब इस आर्ट हाउस में क्या होगा? आर्ट हाउस में दोस्तों कोई भी जो सेलिब्रिटी होगा जिसके ट्विटर पर अच्छे खासे फॉलोअर्स हैं, वो किसी भी ब्रांड का प्रमोशन अच्छे तरीके से कर सकेगा। स्पेशली ये ब्रांड प्रमोशन के लिए ही शुरू किया गया है। तो ट्विटर में अब आर्ट हाउस भी होगा जिसमें वीडियो सर्विसेज होंगी, ठीक है, यानी कि वीडियोज़ के माध्यम से ब्रांड्स का प्रमोशन किया जा सकेगा। चलिए, ट्विटर के CEO हैं जैक डॉर्सी, दोस्तों इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, हाल ही में KK शर्मा ने कहाँ के उपराज्यपाल के सलाहकार पद से इस्तीफा दे दिया? तो KK शर्मा जी दोस्तों ये जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जी जो हैं उनके सलाहकार थे, उनके एडवाइज़र थे, तो उस पद से इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। KK शर्मा दोस्तों 1983 बैच के IAS ऑफिसर हैं और अब इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। अच्छा, इस्तीफा देने के बाद अब कि ये कहाँ पर हैं? तो इन्हें दोस्तों वहाँ का राज्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है, जम्मू कश्मीर का राज्य चुनाव आयुक्त नियुक्त कर दिया गया है। क्लियर, बिल्कुल। तो बस दोस्तों ये तो थे हमारे आज के दिन के करंट अफेयर के क्वेश्चंस। आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी, क्वेश्चंस अच्छे से तैयार हो गए होंगे। वीडियो अगर समझ में आई है, क्वेश्चंस तैयार हुए हैं, वीडियो को कर दीजिए लाइक, अपने दोस्तों के पास इसे शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ऐसे ही बेहतरीन कंटेंट पाने के लिए। और दोस्तों अक्टूबर मंथ की जो आज ईबुक आ रही है, आप लोग उसे परचेज करना मत भूलिएगा। अगर आपने अभी तक किसी भी ईबुक को नहीं परचेज किया है हमारे चैनल से, तो आप लोग, मैं रिकमेंड करूँगा कि केवल एक ईबुक ही परचेज करके देखिए, उसके बाद अगर आपको अच्छा लगे तभी आप बाकी की ईबुक को परचेज कीजिए, लेकिन आप लोग एक ईबुक जरूर चेक कीजिए। बात करते हैं अब दोस्तों क्वेश्चंस ऑफ द डे की। आज का पहला क्वेश्चन है आपके लिए, हाल ही में किस राज्य ने सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 33% आरक्षण देने की घोषणा की? अगला है, वर्ष 2009 के बाद पहली बार वैश्विक बाजार में गोल्ड की कीमतों में कितने प्रतिशत की गिरावट देखी गई? दोनों ही क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन हैं, इनके बारे में आप डिटेल में एक्सप्लेन कर सकते हो, डिटेल में जो भी पता हो एक्सप्लेन करिएगा जरूर। तो चलिए दोस्तों बस फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी, इन दोनों वीडियोस को भी देख लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।